हेलो फ्रेंड्स, दिस टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ लंग। यहाँ पे स्ट्रक्चर ही नहीं, उसके पूरे बारे में, उसके वर्क्स एंड फिजिकल ऑफ रेस्पिरेशन भी बताएंगे। फ्रेंड्स, यह टॉपिक डी फॉर्म फर्स्ट ईयर एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको मैंने बहुत ही इजी तरीके से लिखा है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और मैंने इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज किए हैं, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में लिखें और कोई भी गलत स्पेलिंग लिखेंगे। अगर आप गलत स्पेलिंग लिखेंगे तो फ्रेंड्स आपके लॉस मतलब माइनस में ही नंबर जाएंगे। अगर आप हिंदी में लिखेंगे, थोड़े थोड़े वर्ड इंग्लिश के यूज़ करेंगे, तो भी आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे फ्रेंड्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। लंग्स, बच्छ गुहा में एक जोड़ी लंग्स होते हैं, पाए जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने पहले ही कहा है कि मैंने बहुत ही इजी तरीके से लिखा है और अच्छे से। हृदय के पार्श्व मतलब पीछे, पीछे में स्थित होते हैं, पार्श्व में स्थित होते हैं। गुलाबी रंग के कठोर तथा सॉफ्ट होते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन से ढके रहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन से ढके रहते हैं। राइट लंग्स 3 लोब्स में बटा रहता है, लेफ्ट लंग्स 2 लोब में बटा रहता है, लोब्स में। ओके फ्रेंड्स, प्रथम श्वसनिका विभाजित होकर द्वितीय श्वसनिका बनाती है, फिर श्वसनिका में बट जाती है। पहले जो अभी मैं स्ट्रक्चर पे दिखाऊंगी, जो नसें होती हैं वो विभाजित होती रहती हैं, तभी तो हमारे पूरे बॉडी में फैल पाएंगे, शाखाओं में बट जाती हैं, जिन्हें तृतीयक ब्रांचेस ब्रांचियल्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आगे इसका फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। इसके अंतर्गत खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिसके द्वारा जीवों को विभिन्न उपापचय क्रियाओं के लिए ऊर्जा मिलती है। वायुमंडल की स्वच्छ वायु फेफड़ों में पहुंचती है तथा शुद्ध वायु फेफड़े से बाहर निकलती है। वायु को अंदर ले जाना एवं बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, जो कि नेक्स्ट पेज पे है फ्रेंड्स। ये है बहुत ही इजी सा एंड इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। थायराइड, राइट ब्रांच, लेफ्ट ब्रांच, एयर सीज और ब्रांचियल्स। अभी मैंने आपको कहा था कि मैं दिखाऊंगी स्ट्रक्चर पे, जैसे ये पतली पतली छोटी छोटी नसों में बटी रहती हैं, यही द्वितीयक बनाती हैं, फिर तृतीयक बनाती हैं। ओके, फिर हमारे पूरे बॉडी में फैल जाती हैं। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। इन स्पिरेटरी मैकेनिज्म, निश्वसन के समय डायफ्राम के को पीछे की ओर खींचने एवं थोरसिक बास्केट के ऊपर उठाने से बच्छ गुहा का आयतन चारों ओर बढ़ जाता है। ओके फ्रेंड्स, इस पे क्या लिखा हुआ है आप फिर से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब एक्सपिरेटरी मैकेनिज्म, श्वसन के समय डायफ्राम की गति की सीमा वास्तव में विभिन्न प्राणियों में तथा अलग अलग समय में विभिन्न विभिन्न होती है। श्वसन गति के फलस्वरूप फेफड़ों पूर्ण रूप से खाली खाली नहीं होता तथा कुछ वायु श्वसन पथ में भी रह जाती हैं। अतः निश्वसन के समय
वायु पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलती। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स बस आप मेरी हेल्प करिए, मैं भी आपकी हेल्प करूँगी फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।